कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फ की चट्टान के नीचे दबने से शुक्रवार को 3 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक जवान राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले 22 साल के मुकेश कुमार भी है। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा ने इसकी जानकारी दी है। शहीद हुए जवान मुकेश कुमार का पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। मुकेश कुमार नागौर जिले के लाडनू तहसील के और रोडू गांव के रहने वाले थे और 56 राष्ट्रीय राइफल्स की 268 फील्ड रेजिमेंट में लांस नायक के पद पर तैनात थे। शुक्रवार को अपने दो साथियों नगर और सावी कजरा और नायक गायकवाड़ मनोज लक्ष्मण के साथ माचिल सेक्टर के अरमोड़ा चौकी के पास ड्यूटी दे रहे थे। दोपहर 12 बजे लैंडस्लाइड में 3 जवान दब गए। हादसे के बाद तीनों को बाहर निकाला गया, तब तक तीनों की जान जा चुकी थी। साल 2000 में जन्मे मुकेश कुमार 2018 में आर्मी में भर्ती हुए थे। शहीद के पिता किशनलाल लखारा गांव में खेती करते हैं और शहीद मुकेश के एक छोटा भाई है जो अभी सेना की तैयारी कर रहा है। 22 साल के मुकेश के शहीद होने की खबर मिलते ही पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। गांव के लोगों को शहीद की जानकारी मिलने से पूरे गांव में मातम छा गया। गांव में राजकीय सम्मान साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शुक्रवार को कश्मीर के कुपवाड़ा में लैंडस्लाइड होने से सेना के 3 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले मुकेश कुमार भी शामिल थे।